हथीरा से गुजर रहा था। कुछ चंद लोग जो सामंती प्रवृत्ति के थे उनसे समाज जूझ रहा था। जगदेव बाबू उन शोषित पीड़ित दलितों के आवाज बनकर खड़ा हुए। उन्होंने संकल्प लिया कि चाहे जीवन मेरी रही या जीवन मेरा चला जाए, लेकिन इनको मैं आजाद करके रहूं। ये स्वतंत्र भारत में एक बार इसी हाजीपुर के धरती पर स्वतंत्र भारत में विनोबा भावे जी का भूदान आंदोलन चल रहा था। उस समय 74 की क्रांति का शुरुआत हो गया था। लोगों ने कहा, उनको लोगों ने घेरा, कहा कि आप इस देश में अराजकता की स्थिति है और आप भूदान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत अब गुलाम नहीं है, भारत अब स्वतंत्र हो चुका है। इस स्वतंत्र भारत में एक झंडा और 2-3 फीट का एक डंडा की जरूरत है। अगर लेकर तुम निकल जाओगे तो निश्चित तौर पर तुमको न्याय मिलेगा। तो हम स्वतंत्र भारत में जगदेव बाबू का यह आंदोलन शुरू होता है और इस आंदोलन का ही आज प्रतिफल है कि आज निश्चित तौर पर समाज अपने को आजाद महसूस करता है। ऐसे ही महापुरुष एक नहीं दर्जनों, बहुत सारे महापुरुषों ने जहां जहां अभी इन्होंने कहा कि संघर्ष करना पड़ा, सुभाष बाबू के मूर्ति के लगाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन संघर्ष एक दिन निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रतिफल लेकर आता है। उसी का आज प्रतिफल है कि जगदेव बाबू आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन आज समाज उनके किए हुए कर्मों पर आज समाज में आजादी महसूस हो गई। लेकिन हम बुद्धिजीवियों को, हम लोगों को यह लड़ाई थोड़ा बहुत हर समय लड़ते रहना है। क्या लड़ते रहना है? समाज में अभी भी अगर कोई प्रताड़ित हो रहा है किसी से, तो उसकी आवाज बनकर निश्चित तौर पर खड़ा होना है। तब लगेगा अब आज अब इसको कोई दूसरे रंग में ना रंग दे कि उस रंग से जाति वाले लोग,